जिहड़ियां 110 मौतां ने डैथ होईयां ने, मौतां नहीं हैगियां कतल ने, ते जे कतल ने मुख्यमंत्री साहब इन्हां कतलां दा जिम्मेवार कौन है। राजा अमरिंदर सिंह दे हत्थों इन्नी वारी जलील होण दे बावजूद भी क्यों जाखड़ साहब उन्हां दी लाइन टो करदे ने, जिवें जिवें 2022 दा नेड़े आउंदा जांदा है उवें उवें बरसाती डड्डुआं दी तरह कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े लीडर ने उह भी हौली हौली बाहर निकलणगे। जिहड़े हुकमरान जिन्हां नूं जिम्मेवारी पंजाब दे मलाह बना के पंजाब दे लोकां ने संभाली सी 2017 च, इन्हां तों जवाबदेही लैणी चाहीदी है ते लैणी बणदी है, ते पंजाब दे लोक मैं विश्वास दे नाल कह सकदा कि 2022 दे विच इह जवाबदेही जरूर फिक्स करनगे। आम आदमी पार्टी आगू अमन अरोड़ा वालों कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के बयान से निशाना साधदिया कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के आगुआ की आपसी बयानबाजी ही खत्म नहीं हो रही, फिर यह जनता दी मुसीबतों वाल कदों ध्यान देंगे। नाल ही अरोड़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दिते जहरीली शराब मामले के बयान से बोलदिया कहा है कि कैप्टन साहब खुद दसण कि इस मामले का जिम्मेवार है कौन। मैं समझदा कि कल जिस तरीके दे नाल कांग्रेस पार्टी दे प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी ने अपने ही पार्टी के दो सीनियर कलीग शमशेर सिंह दूलो जी और प्रताप सिंह बाजवा जी के बारे कहा है कि ये लोग पार्टी का कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की पिठ च छुरा मार रहे हैं, तो जिस थाली के खाते हैं उसे छेक करते हैं। मैं समझदा कि वैसे तो चाहे कांग्रेस पार्टी का वह इंटरनल मसला है कि कौन केड़ा लीडर किसनों की नसीहत दिंदा, पर मैं समझदा कि अज पंजाब के लोग ने जिहड़े वह आपकी पिठ के छुरे का दर्द जरूर महसूस कर रहे हैं, वो आपकी थाली के छेक जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह उही सरकार है कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी के वड्डे वड्डे वादे आपके मैनीफेस्टो च करके गुटका साहब दी सौहां खा के सत्ता दे विच आई सी, ते अज 3.5 साल बीत जाण दे बावजूद भी सारे माफियाज उसे तरीके नाल कायम ने, ते पंजाब दे लोक लुट्टिया और कुट्टिया महसूस कर रहे हैं। मैं समझदा कि सरकारां ने जिहड़ियां वो लोगों के विश्वास के उपर आधारित होंदिया ने, टिकिया होंदिया ने, पर जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां दा तां छड्डो, विरोधी पार्टियां दा छड्डो, जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर महाराजा अमरिंदर सिंह दी सरकार आपदे लोकां दा विश्वास गवा चुकी है, आपदे सीनियर लीडरां दा विश्वास गवा चुकी है। मैं समझदा कि एक दिन भी इस सरकार नूं नैतिक आधार दे उपर सत्ता दे विच रहण दा हक नहीं हैगा। मैं महाराजा अमरिंदर सिंह इस करके कह रहा क्योंकि जिहड़े कैप्टन हुंदे ने ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭੀੜ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 110 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 110 ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਔਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ
कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को अजिही कि गिदड़ सिंगी है कि बंदा चाहे जिन्ना मर्जी नाराज हो, नाराज तो सारी है एम पी एम एल ए मंत्री इन्हों सारी ने, पर कि अजिही गिदड़ सिंगी है कि जो फार्म हाउस से बुला के पिठ के उपर हथ फेरते हैं लंच डिनर करवाते हैं तो वह बंदा पंजाब के इंट्रस्ट छड़ के कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी की लाइन है जी फॉलो कर लग जाता है। सो कृपा करके जाखड़ साहब आपके मुख्यमंत्री साहब भी राजधर्म की जी नसीहत है वह जरूर दो। हाँ एक गल जरूर है कि मुख्यमंत्री साहब ने कल आपके फार्म हाउस में बैठ के उपर एक गल कही कि यह जड़िया 110 मौत ने डैथ्स हुई ने मौत नहीं है कतल ने, तो जे कतल ने मुख्यमंत्री साहब इन्होंने कतलों का जिम्मेवार कौन है, इन्हों का जिम्मा कि बनता है मुख्यमंत्री होने के नाते एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर होने के नाते और होम मिनिस्टर होने के नाते यदा सिद्धम सिद्धी जिम्मेवारी जी थोड़े उपर बनती है। और जे तुसी इन्हों सही मायने च कतल मानते हो कल लिप सर्विस करके काम नहीं चलना है, तो परचे ने जोड़े वो 304 क्यों दर्ज की 302 यानी कि कतल का मुकदमा जोड़ा वो दर्ज होना चाहिए, तो सख्त तो सख्त सजा जी मिलनी चाहिए है। यही सारिया गल् करने असी आम आदमी पार्टी कल भगवंत मान जी की रहनुमाई दे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को लभण दे क्योंकि पटियाले रिहायश के उपर नहीं रहिंदे, चंडीगढ़ सरकारी रिहायश के उपर नहीं रहिंदे, लभण लई उन्होंने सिसवा फार्म हाउस से गई सी, सानू तो लभे नहीं। जिहड़ी ड्यूटी पुलिस की ड्यूटी माफिया नूं कंट्रोल करते होनी चाहिए है वह उन्होंने आपके किले के आले दुआले ला रखी है, तो सानू फड़ के थाने लै गए, पर कोई गल नहीं। किन्नी क वारी आम आदमी पार्टी के वर्करां नूं वलंटियरां नूं एम एल ए एम पी नूं फड़नगे, मैं समझदा कि समा हुण जिवें जिवें 2022 दा नेड़े आउंदा जांदा उवें उवें बरसाती डड्डुआं दी तरह कांग्रेस पार्टी के जिहड़े लीडर ने वह भी हौली हौली बाहर निकलणगे, जिहड़े अज आपदे महलां चों बाहर नहीं निकल रहे हैगे, आपदे कोठियां दे विचों इन्हां दे मंत्री और एम एल ए उन्हां परिवारां दा दुख दर्द वंडाउण भी नहीं जा रहे हैगे, हौली हौली चोणां दे नेड़े आ के सारे बाहर निकलणगे। तो उदों मैं बेनती करूंगा पंजाब के लोगों को कि इन्हों घेर घेर के पुछो कि कितने से तुम जो घर घर सत्थर पिछे पे सी उदो बाह फड़न उदो दुख दर्द सुन क्यों नहीं आए है। सो जरा इस तरीके का राजभाग हों लंबा समा नहीं चलता है, हाँ जरूरत है लामबंद होने की, जेडे हुक्मरान जिन्हों जिम्मेवारी पंजाब के मल्ला बना के पंजाब के लोगों ने संभाले से 2017 च इन्हों जवाबदेही लेनी चाहिए है, तो लेनी बनती है, तो पंजाब के लोग मैं विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। अमन अरोड़ा वालों इस मामले ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अस्तीफे दी भी मांग कीती गई सी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दिशा निर्देशां अनुसार पुलिस वालों लगातार नजायज शराब दा कारोबार करन वालियां ते छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।